करके जा सकते हैं। ये छात्र है, कोई गुंडे नहीं है सर, ये छात्र है, कोई गुंडे नहीं है सर, ये छात्र है, कोई गुंडे नहीं है। ऑन कीजिए, ऑन कीजिए, ऑन कीजिए, एक सेकंड सर, एक सेकंड जाने दीजिए। अरे क्या हुआ, क्या ए, मतलब का हम रूम जा रहे थे पढ़ने के लिए, मार दे, मतलब का मार रहे हैं, बेमतलब का हम रूम जा रहे क्यों सर, जबरदस्त क्यों हिंच के मारने लगे, मार रहे हैं यहाँ पे हम लोग, हल्ला हो रहा था तो देखने आए कि क्यों हल्ला हो रहा है, इसलिए मारने लगे। अभी कहाँ लेके जा रहे हैं, देखिए ना कहाँ लेके जा रहे हैं। अरे हम लोग कहाँ सर, अरे मीडिया में बात करने वाले छात्र को आप ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं, नहीं आप कैसे लेके जा सकते हैं, आप कैसे लेके जा सकते हैं, नहीं नहीं आप कैसे लेके जा सकते हैं, नहीं नहीं आप कैसे लेके जा, कुछ किया तो सर, सर आप इसको कैसे ले, अरे क्यों सर, अरे अरे इधर दिखाइए, क्यों सर, क्यों ऐसे क्यों आप लेके जा सकते हैं, आप ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं, आप छात्रों को ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं। अभी देखिए किस तरीके से छात्र इधर बात कर रहे थे, मीडिया में बात कर रहे थे, और इनको किस तरीके से छात्र है, रेलवे के छात्र है, और इनको किस तरीके से लेके जाया जा रहा है, बताइए। ये गरीब छात्र जो तैयार जबरदस्ती हिंच के ले जा रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, हमने चुपचाप खड़ा था साइड में। नहीं ये कोई सही बात नहीं है, ये तानाशाही सरकार है, तब तो ऐसे आप छात्र को नहीं लेके जा सकते हैं, आप बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये गलत बात है। ये छात्र सिर्फ मीडिया में यानी हम लोगों से बातचीत करके अपनी बातों को रख रहे थे, और हमारे सामने इस तरीके से पुलिस छात्र को लेके जा रही है, ये कोई सही बात नहीं है भाई। बिहार में ये चल क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आता है। ये चुनाव के समय में ऐसे छात्रों के साथ जबरन करना, जबरदस्ती करना, ये सिर्फ अपने हक की मांग कर रहे थे, ये सिर्फ अपनी बातों को हमारे साथ रख रहे थे, सिर्फ ये कह रहे थे 5600 नहीं 56000 हमें वैकेंसी चाहिए। बताइए इतने में आखिर नौकरी मांगने पर हमारे देश में अगर ये होने लगे तो सारे छात्र को पढ़ने की क्या जरूरत, फिर स्कूल कॉलेज बंद करवा दिया जाए, आखिर क्यों पढ़ाने के लिए पढ़ाने की बात करते हैं। ये छात्र है, ये कोई गुंडे नहीं है जो इस तरीके से लेकर के जाया जा रहा है। दिखाइए दिखाइए जरा, दिखाइए दिखाइए जरा, देखेंगे नहीं नहीं कैसे, देखिए सर कहाँ लेके जा रहे हैं सर, नहीं नहीं कहाँ लेके पे लगाने ले जा रहे हैं, फांसी कहाँ लेके, आप इसको छोड़िए, फांसी पे लेके ले जा रहे हैं सर जी, फांसी पे, नहीं नहीं आप ऐसे लेकर के नहीं जा सकते हैं, ये गलत बात है, ये डराने का काम हो रहा है, ये सरकार कैसे मारा गया था, मतलब का ये सरकार डराने का काम कर रही है, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकते, ये छात्रों के साथ इस तरीके से नहीं चले, शांतिपूर्वक खड़े थे, कुछ नहीं किया, बस हमसे बात कर रहे थे, और हमारे सामने इस तरीके से छात्रों को उठाया जा रहा है, और एक छात्रों को उठाकर 100 छात्रों को डराने का काम हमारी सरकार कर रही है। नहीं नहीं सर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, आप लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं सर, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप इस तरीके से छात्रों को नहीं डराए जा, अच्छा नहीं नहीं क्यों लेके जाया जा रहा है सर, ये बताइए सर क्यों लेके जाया जा रहा है, कहाँ लेके जाया जा रहा है, नहीं हमें जानकारी चाहिए, नहीं नहीं जानकारी चाहिए सर, क्यों और कहाँ लेके जाया जा रहा है, क्यों और कहाँ लेके जा, क्यों और कहाँ लेके जाया जा रहा है, नहीं नहीं क्यों और कहाँ लेके जाया जा रहा है सर, क्यों और कहाँ लेके जाया जा रहा है, क्यों और कहाँ जा लेके जाए, नहीं नहीं ये ऐसा लग रहा है गुंडा है, ऐसे नहीं चलेगा सर, क्यों और कहाँ लेके जाया जा रहा है सर, क्यों और अभी केवल ओनली प्रिवेंटिव एक्शन हो रहे हैं सर, ये तो गलत है सर, ऐसे सर कैसे हो सकता है, नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये सर गलत है, ऐसे कैसे आप छात्र को लेके जा सकते हैं, ये छात्र है कोई गुंडे नहीं है सर, ये छात्र है कोई गुंडे नहीं है सर, ये छात्र है कोई गुंडे नहीं है, आप इस तरीके से नहीं लेके जा सकते हैं सर, सर ये कैसे कर सकते हैं आप लोग सर, ये छात्र है ये कोई गुंडे नहीं है, ये हमसे बात कर रहे थे सर, हम लोग कुछ नहीं किया मैम, फिर भी इन्होंने जबरदस्ती ले जा रहे हैं, छात्रों को ऐसे गाड़ी में जबरदस्ती बैठा करके ले जाया जा रहा है, कहाँ लेके जा रहे हैं सर, कहाँ लेके जा रहे हैं सर, कहाँ लेके जा रहे हैं सर, कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके, कौन से थाने सर, कौन से थाने लेके जा रहे हैं, कौन से थाने लेके जाया जा रहा है सर, सर इतना तो बताइए कौन से थाने ले जा रहे हैं, कौन से थाने,
कौन आइए ना उधर। अरे 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 आप ऐसे कैसे, अरे आप ऐसे, ये हमारे साथ है, ये हमारे साथ है, ये हमारे साथ है, ये हमारे साथ है, अरे ये हमारे साथ है, अरे मीडिया दिखाइए, ये हमारे साथ है सर, सर ये हमारे साथ है सर, ये सर ये हमारे साथ है सर, ये हमारे साथ है सर, सर ये हमारे साथ है, आप कैसे लेके जा सकते हैं, अरे आप ऐसे कैसे कर सकते हैं सर, सर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये हमारे साथ है सर, ये हमारे साथ है सर, सर आप ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं सर, ये हमारे साथ कैसे कर सकते हैं, बताइए बताइए भाजपा की सरकार में हमारे साथ हमारे पति को आज सर, वो हमारे पति है, मेरे पति हुआ, आप ऐसे कैसे उठाइए ले जा, वो मेरे पति है सर, मेरे मेरे नहीं नहीं सर ये गलत है, ये गलत है सर, वो मेरा हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड को ऐसे गाड़ी में बैठाएंगे, पुलिस बिहार पुलिस ऐसे कैसे लेके जा सकती है, आप बताइए कितना गलत काम है, ऐसे तानाशाही सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है, ये बीजेपी गठबंधन की सरकार है, आप सोचिए कितना गलत किया गया है, ये कितना गलत किया गया है, बताइए, नहीं सर ये गलत काम है, दोस्तों जैसा आपने देखा कि रेलवे के छात्र को हमारे सामने बेवजह गाड़ी में बैठाया गया, बहुत ही बदतमीजी के साथ, उसके साथ मेरे पति को भी गाड़ी में बैठाया गया, जिसके बाद मैं बहुत ज्यादा परेशान हुई, मैं रोने भी लगी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि बिना मतलब का बेवजह जिस तरीके से अचानक कैमरा करते करते मेरे हस्बैंड को जब गाड़ी में बैठा गया, तो मैंने पूछा डीएसपी साहब से कि आपने ऐसा क्यों किया, जब डीएसपी साहब को पता चला कि ये लोग भी मीडिया से थे, तब उन्होंने मेरे हस्बैंड को छोड़ा है। मैं कुछ कर नहीं रहा था, मैं वहाँ से गुजर रहा था और एक लड़का था, एक स्टूडेंट था, जिसको बहुत बेरहमी से डीएसपी साहब कुछ पुलिस वाले थे उसको पकड़े हुए थे, उसका पैंट खुल रहा था, तो मैं बोला सर ये गुंडा थोड़ी ना है, ये तो स्टूडेंट है, इसको तरीके से पैंट इसका चढ़ा दीजिए, तरीके से इसको ले जाइए, इतना बोल के मैं आगे बढ़ गया और मुझे लगा कि इस क्लिप को रिकॉर्ड करना चाहिए, तो मैं वो वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपके हाथ में फोन है, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, ये कुछ नहीं कर रहे थे, हमारे साथ थे और मोबाइल फोन लेकर के रिकॉर्डिंग कर रहे थे, ताकि वो चीजें हम दर्शक तक पहुंचा सके और सरकार को दिखा सके कि आपकी सरकार में ये समाज में हो क्या रहा है। तो वो बस मैं उस चीज को क्लिप को रिकॉर्ड करने में व्यस्त था और सर्टेनली वो डीएसपी साहब आए वहां पे, बोले कि इसको उठाओ इसको उठाओ इसको पकड़ो इसको पकड़ो, शायद उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि मैंने स्टूडेंट को बोला कि आप इसको थोड़ा तरीके से ले जाइए, ये गुंडा नहीं है, उन्होंने हमें जबरन गाड़ी में बैठा। यहाँ पर छात्रों की आवाजों को दबाया जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि भाई सब चीज सही है। मैं साफ कर दूं कि मैं वहाँ पे पूरा कोशिश किया मैं उनको समझाने के लिए कि आप क्यों मुझे ये कर रहे हैं, मैंने किया क्या, मैंने किया क्या, उन्होंने बड़ी बदतमीजी से मुझे मेरे सर पे हाथ मारा, दबाया। आप भी रिपोर्टिंग करती है, मैं हमेशा आपके साथ रहता हूँ, समटाइम्स ऐसा लगता है कि ये क्लिप हमारे पब्लिक तक जानी चाहिए, मैं रिकॉर्ड कर रहा था, इसके अलावा मैंने किया क्या था, मेरी कोई गलती नहीं थी, और उन्होंने जिस तरीके से जिस बदतमीजी से हमें बिठाया मुझे पता नहीं चला कि क्या आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे। बताइए दोस्तों, यहाँ पर छात्र के साथ तो नाइंसाफी हो ही रहा है, बेवजह छात्रों को गाड़ी में बैठा करके थाने लेकर जा रहे हैं, पता नहीं उनके साथ क्या जाती हो रहा है हम नहीं जानते, लेकिन हम मीडिया कर्मी मीडिया भाइयों के साथ भी ऐसा हो रहा है, बहुत सारे ऐसे मीडिया कर्मी हैं जिनको उठाया गया है, सुनने में आ रहा है, ठीक है, हम क्लियर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा किया गया है और हमारे सामने जब ऐसा हो रहा था, सारा चीज है, सारा वीडियो आपके सामने है, सारा चीजें आपके सामने है, बिल्कुल वहां पे जो हो रहा था हम रिकॉर्डिंग करते जा रहे थे, इनके हाथ में भी फोन था, ये भी वहां के सिचुएशन को रिकॉर्डिंग कर रहे थे, दिखा रहे थे कि तानाशाही सरकार किस तरीके से रेलवे के छात्रों को बेवजह जो अपनी बातों को ऑन कैमरा रख रहे हैं उसको गाड़ी में बैठा रहे, पुलिस अपनी गाड़ी में बैठा करके डराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है उस लड़कों को एक या दो दिन में छोड़ दिया जाएगा या शायद रात भर में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं कि और छात्रों को डराया जाए और कोई अपने हक के लिए आवाज ना उठाए, जो बेरोजगार है वो बेरोजगार ही रहे। वो बेवजह गिरफ्तारी थी, वहां पे मैं मौजूद था, मेरे हाथ में क्या था, बम था, असला था, क्या था, कुछ भी तो नहीं था, एक कैमरा था, ठीक है, एविडेंस के तौर पे कैमरा था, मैं उस क्लिप को, वहाँ पे जो खड़े स्टूडेंट थे ना वो सब बेचारे थे, कम एज के थे, उनके हाथ में कोई ना लाठी था ना डंडा था ना कोई भी पत्थर ईट कुछ भी नहीं था, बेवजह वहाँ पे बस मनमानी चल रही है पुलिस को, बस उठाओ। और डीएसपी साहब ने तो कहा भी था
कि अब ये लोग को ये नहीं करना, मारना नहीं, ये लोग उठा के ले जाना है। तो भाई सड़क पे खड़ा हर आम आदमी को आप उठाते रहिए। मैं तो वहाँ पे एज अ कॉमन मैन खड़ा ही था, मैं तो कुछ कर नहीं रहा था। क्या किया मैंने? देखिए हर किसी का राइट है, अगर हमारे हाथ में फोन है तो हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो राइट हमसे कोई छीन नहीं सकता है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम उस चीज़ों को दिखा सकते हैं, चाहे वो पुलिस हो या फिर कोई नेता हो या फिर हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो। अगर उनका ऐसा कोई चीज़ जो हमें लगता है कि हम रिकॉर्डिंग करके दर्शक तक पहुँचाएं, वो हम करेंगे, वो हमारा राइट है। आप हमारे राइट को नहीं छीन सकते और आप हमें इस तरीके से डरा नहीं सकते। बहुत ऐसे यूट्यूबर, बहुत ऐसे पत्रकार हैं, यूट्यूबर पत्रकार जो आप लोग कहते हैं, जो असली चीज़ों को दिखाते हैं। नेशनल मीडिया कुछ नहीं दिखाती, यूट्यूबर पत्रकार ही सही चीज़ों को दिखाते हैं और उसको भी दबाने की कोशिश की जा रही है। वो लोग छोड़ दिए डीएसपी साहब, हमने रिक्वेस्ट किया और कहा कि भाई हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग बस खबरों को दिखाने के लिए आए हैं, हमारे जो छात्र हैं उनके साथ क्या बीत रहा है, वो कितने शोषित हैं, वो कितने दुख दर्द में हैं, हम बस उन्हें दिखाने आए हैं, आप ऐसा ना करें। तो उन्होंने इनको छोड़ दिया, ये हमारे साथ हैं फिलहाल। और सच बता रही हूँ, कभी कभी बहुत दुख होता है कि गवर्नमेंट इस तरीके से जनता की और हमारी आवाज़ों को, हमारी बातों को दबाने की कोशिश की जाती है। हम वोट देते हैं, हमारा इतना राइट बनता है, हम संविधान में रहते हैं, संविधान हम जानते हैं और हमें पता है कि हमारा राइट क्या है, हम बोल सकते हैं, हम अपनी बातों को रख सकते हैं और ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता है। बाकी मैं, मेरे पति फिलहाल मेरे साथ हैं, सच बता रही हूँ, बहुत दुख हुआ था जब इनको लेकर के पुलिस गाड़ी में जिस बदतमीजी से बैठाई थी, बहुत दुख हुआ था और बहुत तकलीफ हुआ कि आखिर ये क्यों, बेवजह क्यों, खड़े खड़े आदमी को आप गाड़ी में कैसे बैठा सकते बिना वजह। और रेलवे के छात्रों को सपोर्ट कीजिए, मैं भी यही कहूँगी और सरकार से यही मांग है कि जो वैकेंसी निकाली है 5600, उसको 56000 किया जाए ताकि जो बेरोजगार छात्र हैं उनको रोजगार मिल सके। नमस्कार।